हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। गोवा, गोवा इंडिया का बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है और यहाँ आप जा सकते हैं घूमने अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ पीसफुल टाइम आप एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ बहुत ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का लुफ्त भी यहाँ पे ले उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सिटी है और सारे बीचेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं और वहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की भोपाल से जो दूरी है वो है 1234 किलोमीटर, मुंबई से गोवा की दूरी है 570 किलोमीटर और पुणे से गोवा की दूरी है 450 किलोमीटर। तो आप मुंबई पुणे से भी जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ के लिए एयरपोर्ट भी है, यहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा भी है और बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। यहाँ पे मडगांव रेलवे स्टेशन है, वास्को डेगामा रेलवे स्टेशन भी है, तो आप जहाँ आपको सही लगे वहाँ आप उतर सकते हैं। वैसे तो मडगांव रेलवे स्टेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं। तो पणजी से मडगांव रेलवे स्टेशन की दूरी 39 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप जा सकते हैं, बस टैक्सी करके भी जा सकते हैं पणजी तक। यहाँ डबलिंग एयरपोर्ट भी है, तो आप दिल्ली से डबलिंग एयरपोर्ट के लिए भी फ़्लाइट है, भोपाल से भी गोवा के लिए फ्लाइट है। तो पहले मैं भोपाल का बता देता हूँ क्योंकि मैं भोपाल का हूँ। तो भोपाल से जो दो फ्लाइट चलती है यहाँ पर, एयर इंडिया की चलती है और इंडिगो की चलती है, तो उसका किराया समथिंग यही 4-5 हज़ार के समथिंग रहता है। तो आप भोपाल से भी जा सकते हैं गोवा, डायरेक्ट फ्लाइटें चलती हैं, और दिल्ली और मुंबई से भी यहाँ पे फ्लाइटें हैं। तो डबलिंग एयरपोर्ट की जो दूरी है पणजी से वो है 29 किलोमीटर, वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन है उसकी भी पणजी से जो दूरी है वो 29 किलोमीटर है, तो आप बस या टैक्सी करके वहाँ से भी जा सकते हैं। और एक करमाली रेलवे स्टेशन भी है, वो मेरे ख्याल से पणजी से सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो वो भी पर वहाँ पर ट्रेनें बहुत कम रुकती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जहाँ आपको सही लगे। वैसे मडगांव बेस्ट स्टेशन है क्योंकि ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं। गोवा अगर आप बस से जाना चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, यहाँ पे कादम्बा बस स्टैंड भी है और कादम्बा बस स्टैंड में सभी मतलब मुंबई, पुणे और भोपाल, यहाँ सब जगह से मतलब बसें मिल जाती हैं, बसें जाती हैं वहाँ पर, तो आप बस से भी जा सकते हैं। मुंबई से जो कादम्बा बस स्टैंड की दूरी है वो आप 10 घंटे में पूरी कर सकते हैं, और बाकी जो रेट है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, हर ट्रेवल्स का अलग अलग रेट रहता है, तो आप वो देख सकते हैं। कलंगड़ बीच नॉर्थ गोवा में है, और कलंगड़ बीच पहले जाना फर्स्ट डे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम सकते हैं। तो कलंगड़ बीच जो है वो नॉर्थ गोवा में पड़ता है, यहाँ से आप अगवाड़ा फोर्ट भी घूम सकते हैं, बाघा बीच भी घूम सकते हैं और अंजुना बीच भी घूम सकते हैं। तो ये सभी प्लेसेस कलंगड़ बीच के आसपास ही हैं, तो यहाँ से आप ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर पाएंगे। और यहाँ डे एंड में आप चौपाटा फोर्ट में जाकर सनसेट का भी आनंद ले सकते हैं, और वहीं आसपास ही बीच के आसपास बहुत सारे डिनर के लिए रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो आप वहाँ पर डिनर भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डे टू की। डे टू में आप ग्रैंड आइलैंड का हाफ टूर भी कर सकते हैं, और वहां से वापस आकर आप बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस चर्च भी घूम सकते हैं, उसके बाद आप डोना पावला में सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहां आप जब कलंगड़ बीच जाएंगे तो वहां पे आपको स्कूटी या बाइक भी रेंट पे मिल जाएगी, जो 300-400 रुपये में मिल जाती है, तो इस स्कूटी और बाइक से ज़्यादा आसान रहता है वहाँ पर घूमना। तो आप कभी भी जाएं तो स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं, बड़े सस्ते में मिल जाती है और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डे थ्री की। डे थ्री में आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, या फिर साउथ गोवा में जाकर बहुत सारे वहाँ पर बीचेस हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ पर बहुत सारे आपने बीचेस पे आप जाके देखेंगे तो टैटू आर्टिस्ट भी वहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो सस्ते में आपके अच्छे टैटू बना के दे सकते हैं, तो आप टैटू भी बनवा सकते हैं वहाँ जाकर। अब हम बात कर लेते हैं डे फोर की। तो डे फोर में आप
ये वैसे तो ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डे फोर में रुक भी सकते हैं या फिर नहीं भी रुक सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर आप स्प्लैश डाउन वाटर पार्क भी जा सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं, और कैंपिंग के साथ आप वहाँ पे नाइट फायर का भी आनंद ले सकते हैं, बार में भी जा सकते हैं, कसिनो में भी जा सकते हैं, और यहाँ राफ्टिंग भी होती है जो जून से सितंबर के बीच में होती है। तो आपको अगर राफ्टिंग करनी हो तो आप जून से सितंबर के बीच में जाइए। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कसिनो हैं, बार हैं, तो आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल के रेंट के बारे में। तो यहाँ होटल का रेंट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 1500 से 2000 या 2500 में अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो बाकी वो आपके ऊपर है, अगर आप अच्छा रूम लेना चाहें तो 4000-5000 फिर बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ सस्ते में 1500 से अच्छा रूम, 1500 या 2000 में अच्छा रूम मिल जाता है। यहाँ क्रूज में सनसेट डिनर करने का खर्चा आपको 2000 रुपये तक देना पड़ सकता है। यहाँ आप हाउस बोट पर ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा आपको 5000 से 7000 रुपये तक पड़ेगा। यहाँ पर आप आइलैंड टूर भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा आपको 1500 से 2000 रुपये तक पड़ सकता है। तो यही सब खर्चे हैं, और बाकी आपका जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो 15 से 16 हज़ार रुपये में दो लोग आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं, और बाकी अगर आप यहाँ पे जाएं तो बियर वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं, जो सभी लोग आजकल करते हैं, तो वो खर्चा आप इसमें अलग से इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद।